हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं अनम काज़मी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे, अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी हाँ, एंजॉय तो कर ही रहे होंगे, जैसे कि आज हम लोग सुबह से एंजॉय कर रहे हैं। और एक बड़ी लिंक सी है जी, क्योंकि सुबह सुबह से जब ज्यादा सारा काम हो ना तो आप वैसे ही बड़े एक्साइटेड होते हैं और भागम भाग में जो है सारी चीजें वो आप कर रहे होते हैं। खैर, ओवरऑल कल का शो आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए बहुत ज्यादा थैंक्स। क्योंकि कल यासिर अख्तर हमारे साथ थे और किस तरीके से हमने उनकी बर्थडे सेलिब्रेट की ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, जहाँ जहाँ उनके फैंस थे तमाम लोगों ने यही कहा कि जी बहुत जबरदस्त किस्म का आपका शो रहा, तो थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिशिएटिंग अस। और अब बात कर लेते हैं हमारे आज के अहम मौजूदात के, यानी कि गुड मॉर्निंग। आज में जितनी भी बातें आज हम करने वाले हैं उसके हवाले से आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो मरहला है सियासी, जो सियासी मरहला है और सियासी मामलात हैं वो आजकल कहाँ चल रहे हैं और क्या हो रहा है उनमें। ये हैपनिंग्स हो रही है कि एक दफ़ा फिर से नून लीग ने पूरी गद्दारी साहब को मनाया जाए और तीसरे महीने में चौथी दफ़ा भी मनाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो हो गई है बिल्कुल बेकार। और अब पीपल्स पार्टी कहती है कि बिल्कुल भी अब हम मुफाहमत की सियासत नहीं करेंगे, क्योंकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब इस बात का इजहार बहुत पहले कि जब धरना चल रहा था तो नून लीग ने उनको धोखा दिया। और ये बात वो किस पैरामीटर में कहते हैं ये तो किसी पीपल्स पार्टी के वजीर से ही हम बात करके इस बात का जायज़ा लेंगे। लेकिन कल एक बहुत अहम खबर, एक खबर जो कि मरकज़ निगाह रही, जिसके हवाले से ट्विटर पर, फेसबुक पर, पूरे सोशल मीडिया पर एक तरह का अफसोस छाया रहा, एक तरह की धूम मची रही। और साथ साथ खराज तहसीन के और साथ साथ बहुत ज़्यादा पैगामात भी आए, वो थे मेजर इसाक के हवाले से। हमने देखा कि किस तरीके से पाक फ़ौज के ये जवान लड़े, किस तरीके से उनको शहीद कर दिया गया। तो एक दफ़ा फिर से गुड मॉर्निंग आज के प्लेटफॉर्म से हम पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश करते हैं। और उसके बाद DGISPR ने बाकायदा तौर पर बयान दिया और कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है वो जारी रहे। और अगर बात की जाए तो सूरत हाल जूं की तूं है, और वफाकी दारुल हुकूमत की बात की जाए तो वहाँ पर भी आज 19वें रोज़ में जो है ये धरना दाखिल हो चुका है। लेकिन अब बात वहीं पर आकर अटक गई है जो बात हम गुड मॉर्निंग आज के प्लेटफॉर्म से अपने ज़राए से आपको बता रहे थे कि नून लीग इसलिए पीछे हटी हुई है क्योंकि नून लीग का ऐसा स्टांस है, ऐसा कहना है कि जी ये जो धरना है एक साजिश है और इस धरने का पर्पस ये है कि नून लीग का वोट बैंक कम किया जाए। और इसी हवाले से हम लोग ये बात करते आए हैं कि नून लीग खेलती है और ना ही बैकफुट पर आकर खेलती है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये प्रॉपर तौर से डायलॉग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नून लीग को 18 की फिक्र भी है और अपने वोट बैंक का ख्याल भी है। एबटाबाद में जिस तरीके से उन्होंने जलसा किया और आगे उन्होंने जिस तरीके से जलसे करने हैं तो उस हवाले से वो ज़्यादा कंसर्न है रेदर देन कि उनको धरने की फिक्र हो। तो अब देखना यह है कि मामला कैसे सॉर्ट आउट होते हैं। बिल्कुल सना, आज के शो का हम आगाज जरूर, लेकिन साथ साथ चूंकि धरना है और धरने की वजह से ट्रैफिक जगह जगह पर जाम है और अब तो बकायदा तौर पर उनकी सप्लाई बंद करने के हवाले से भी अहकाम जारी हो चुके हैं। तो एक तरफ तो ट्रैफिक इस वजह से भी आपको कम मिलेगी क्योंकि आगे वीकेंड आ रहा है और लोग जरा आउटिंग के लिए निकलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ चूंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे की एक ग्रैंड सेल लग रही है और तमाम खवातीन जो है वो बाहर निकलेंगी, आज तो आपको बिल्कुल जाम पैक मिलेगा, चाहे आप कहीं पर भी मिले जाएं। मेरा ख्याल है कि आज आपको कहीं पर भी जगह नहीं मिलेगी, इवन पार्किंग की भी नहीं मिलेगी। तो इस लिहाज से इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए बाहर निकलेगा, क्योंकि जब खवातीन की सेल लगती है, और मेरा ख्याल है सिर्फ खवातीन की नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी हर चीज़ पर तकरीबन आज सेल लगी हुई है, तो आज का दिन जो है वो शॉपिंग के दिलदादा लोगों के लिए बड़ा खास दिन है। तो जनाब जाइए और आज की शॉपिंग और सेल को जो है वो आप इन्जॉय कीजिए। इसके अलावा अगर हम कुछ एक्टिविटीज़ की बात करें तो आज एक तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान खान की पार्टी यानी PTI हाफजाबाद के अंदर जलसा करने जा रही है, अवामी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है, तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का पावर शो होने जा रहा है। जबकि दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि लाहौर के अंदर एक फैशन वीक होने जा रहा है और ये फैशन वीक जो है उसमें बहुत से उरूसी मलबूसात जो है उनकी नुमाइश की जाएगी और लोगों को मेरा ख्याल बड़ा पसंद आएगा। तो वीकेंड के ऊपर एक और एक्टिविटी जो आप लोगों के लिए बड़ी जबरदस्त रहेगी वो है ए फैशन शो के हवाले से। साथ ही साथ जनाब कुछ सियासी मंजरनामे के ऊपर देखें तो हम देख रहे हैं कि कुछ बयानबाजियां हो रही हैं, कुछ मुलाकातों की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन सब कुछ धरा का धरा इस वक्त नजर आ रहा है और डिफेंस में लोग सामने आ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का कल हमने देखा ट्विटर
पर उन्होंने अपने गायब की जो फेवर में उनके डिफेंस के अंदर ये बात की कि जी हमें ताने देना बंद कर दिया जाए, इसके बाद हम ताने बर्दाश्त। आप लोग अपने किरदार के ऊपर देखें। और साथ साथ उन्होंने एक वार्निंग भी दी। तो कल मैं जब उनकी ट्वीट पढ़ रही थी, अब एज इट इज तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उससे एक तासर मुझे जो जा रहा था वो ये था कि शायद ये सिर्फ ट्वीट करके डिफेंस नहीं किया गया बल्कि किसी किस्म की कोई धमकी भी दी गई है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब ये जो पहले हम कह रहे थे कि जी मुफाहमत के बादशाह हैं और किसी भी के लिए हाथ मिला लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा मुझे। सब आपको क्या लगता है, ऐसा है कि इस बार जुड़ जाएंगे इंतखाबात से पहले? डायलॉग तो होंगे, मेरे अपने जो एनालिसिस हैं वो ये हैं कि डायलॉग तो होंगे लेकिन थोड़ा सा रूठेंगे और थोड़ा सा आगे चलेगा मामला, क्योंकि डायलॉग के बगैर तो फिर कुछ होना नहीं है। और बात की जाए तो पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है तो एक ऐसी जमातें हैं जिनका अच्छा खासा वोट बैंक है, और अगर ये दोनों आपस में गठजोड़ नहीं करती हैं एक दफा फिर से तो फिर ये है कि पीटीआई पार में आएगी। और जैसा कि इमरान खान कहते हैं कि जी हम ही आएंगे दोबारा, तो हो सकता है कि इस तरह के कोई जो है वो तासुरात आ जाएं 18 में। लेकिन क्योंकि डायलॉग की सियासत तो जरदारी साहब करते हैं तो मेरे ख्याल में इस दफा डायलॉग होंगे लेकिन बड़ी कड़ी शरायत के साथ होंगे, और बड़ी कड़ी जो है उसके अंदर शरायत होंगी, कॉन्क्लूजन होंगे कि जी आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है और ये नहीं करना है। चले ये तो मेरा ख्याल है जब इंतखाबात आएंगे भी आ जाएगी, उससे पहले ये जोड़ तोड़ चलती रहेगी। एनीवे आज की चूंकि मैं बात कर रही हूँ और खवातीन की बात करने जा रहे हैं तो फिर सेल की बात जरूर करेंगे हम। सुबह सेल लग चुकी है, मैं तो कल जाके शॉपिंग कर रही हूँ क्योंकि कल रात को मुझे पता था कि इतना रश नहीं होगा लेकिन आज बहुत ज्यादा रश होने वाला है। किसी भी आप मॉल में चले जाए, किसी भी जगह पर आप अगर गाड़ी पार्क करें तो बड़ा मसला होगा। अच्छा ब्रांड के बारे में अगर बात करें तो दोनों नाम तो हम नहीं ले सकते, कुछ ब्रांड ऐसी हैं जिसके बारे में अनम मुझे बतानी थी कि आप फला फला ब्रांड पे जाइएगा, वहाँ पर बहुत अच्छी सेल लगी हुई, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो सेल है वो मेरे ख्याल में एक बिजल जाएंगे और उसके बाद से जो रश होगा तो फिर वो मेरे ख्याल में हम लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। डिस्कस कर रहे थे सभा जब हमारी डिस्कशन चल रही थी हमारी शो की प्रोड्यूसर के साथ नाजे के साथ, और वो बता रही थी कि जी जब वो गई है वहाँ पे मॉल में और इवन हम लोग भी जब जाएं और देखेंगे जी सेल लगी हुई है तो खवातीन बिल्कुल इस तरह से ले रही होती है जैसे मुफ्त में चीजें मिल रही होती है, तो बड़ा ज्यादा आप वहाँ पर रश देखते हैं और साथ साथ बद इंतजामी जो क्या कहते हैं उसे बद इंतजामी जो है वो। अच्छा उसके लिए सेल अगर कहीं लगी हो और आप जा रहे हो तो आपको अवेयरनेस होना बड़ी पूरी है की या उस जो भी ड्रेस है उसकी रियल प्राइस क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपको बेवकूफ बना रहे हो कि वो असल प्राइस बढ़ा के और फिर सेल लगा के आपको कह रहे हो जी ये मुझे तो लगा है। मेरे साथ कल यही हुआ सबा, क्योंकि मैंने एक ड्रेस पसंद किया वो तकरीबन 12,500 रुपए का था। ओके मतलब असल प्राइस उसकी, और वो मुझे सेल में 7,000 मैं ये सोच रही थी कि यार ये आम प्राइसेस में भी इतने का ही था, ये सेल शायद सिर्फ नाम की सेल लगी है मुझे तो। अब सेल के हवाले से हमने बहुत सारी बातें कर ली और आज जितनी भी ख्वातीनें बड़ी खुश होंगी कि हमने बड़ी अच्छी उनको इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब कुछ बढ़ते हैं खबरों की जानिब और पिशावर से हम आपको खबर देंगे और ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है। पिशावर का ये इलाका है हैदराबाद जहाँ पर पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका हुआ है। इंतहाई अफसोसनाक खबर से हम आपको यहाँ आगाह कर रहे हैं, एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में है। पिशावर के इलाके हैदराबाद में पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका हुआ है और इससे पहले क्वेटा में धमाका सामने आया था जिसमें पुलिस को ही निशाना बनाया गया था और सिक्योरिटी फोर्सेस को एक दफा फिर से निशाना बना लिया है, क्योंकि वही बात आ जाती है कि जब हम सॉफ्ट टारगेट की बात करते हैं तो वो अब इनके बस का नहीं है, क्योंकि हमारी फोर्सेस ने सिक्योरिटी और हमारी फोर्सेस ने इतना जबरदस्त किस्म का जो है वहां पर अब सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी है कि इन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि आम आवाम को जो है टारगेट हमारी फोर्सेस हैं, हमारी पुलिस है। तो उसी हवाले से अगर देखा जाए तो पेशावर के इलाके में हैदराबाद में ये अफसोसनाक हादसा, इसमें गाड़ी के करीब पुलिस की गाड़ी के करीब जो है धमाका किया गया है और इंतहाई अफसोसनाक खबर है। और अगर ओवरऑल बात की जाए ना अनम, तो हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में एक डेढ़ दो महीने बाद या 15-20 दिन बाद पेशावर हो, क्वेटा हो, कराची हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बदनज़मी पैदा करने की में तो कोशिश की जाती है कि जिससे पूरे शहर का, पूरे मुल्क का जो है वो अमन खराब हो। जब बलूचिस्तान में हालात बेहतर, कोयटा में फिर धमाके हो रहे होते हैं, कोयटा में हालात बेहतर हो रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि पेशावर जद में आ जाता है, पेशावर बेहतर होता है तो कराची जद में आ जाता है। तो मेरे ख्याल में ये सारे वही मामलात हैं, ये सारी वही चीज़ें हैं जिसके हवाले से हम कहते हैं कि जी अब मजीद हमें मरबूत हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है, मजीद मजबूत करने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से बार बार जो है वो हमारी फोर्सेस की जानिब से कहा जाता है कि बिल्कुल भी हम डरे नहीं हैं, हम पीछे नहीं हटे, हम दहशतगर्दों का डटकर मुकाबला कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये उसका वाज़ेह सबूत है। जैसा कि हमने देख सकते हैं मेजर इसाक को किया है और हम देखते हैं हमारे आर्मी का कोई भी जवान हो तो हम बाकायदा तौर पर प्रोटोकॉल के साथ उन लोगों को उनकी तदफीन करते हैं, लेकिन हमारे ये जो जवान है, हमारे पुलिस के अहलकार हों चाहे एफ सी के अहलकार हों, ये
हमारे लिए डेफिनेटली एक एक असासा बन जाते हैं। ये जो इनके वरसा है यही दरअसल पाकिस्तान के वारिस हैं, क्योंकि इन्हीं की कुर्बानियों की वजह से जो है वो हम अपने मुल्क के अंदर सुकून से रह पाते हैं। इन्हीं की कुर्बानियां है जिस पर अमन के साथ जो है वो सांस ले पाते हैं। तो ओवरऑल ये अफसोसनाक वाकया पेशावर में पेश आया, इससे पहले हमने देखा क्वेटा में भी यही रहा और धमाके होते हैं, पुलिस अहलकारों को निशाना बनाया जाता है। तो हमारी तरफ से तमाम ये जो पुलिस अहलकार हैं जो जामे शहादत नोश करते हैं, उन तमाम को आज के प्लेटफॉर्म से हम फराज तहसीन भी पेश करें। चलिए इसे खबर शामिल करते हैं। और क्या बात है कि आज एक के बाद एक अफसोसनाक खबर जो है वो हमारे पास आ रही है, और ये खबर है कराची से, जहां पे प्लाजा के करीब बस ने 4 साल बच्ची को कुचल दिया है। आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये बस है जिसने 4 साल बच्ची को कुचल दिया है। इंतहाई अफसोसनाक ये खबर है, और उस वाक्य के बाद जो है इस बस को आग लगा दी गई है। किस तरीके से यहाँ पर मुजाहिरीन मुश्तैल हो गए हैं, पर आप ये मनाजिर देख सकते हैं किस तरीके से इस बस को आग लगाई गई है, इसकी सीटें जलाई गई हैं बाकायदा तौर पर। और अनम, जब भी इस तरह का वाकया होता है ना, तो इंतहाई अफसोस होता है कि हमारे यहाँ कोई रूल्स, कोई रेगुलेशन नहीं है। हैवी ट्रैफिक को किसी भी वक्त आप स्कूल टाइमिंग पे निकाल देते हैं, किसी भी वक्त आप ऑफिस टाइमिंग पे निकाल देते हैं, बड़े बड़े ट्रॉलर चल रही है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। और जाहिर है यहाँ कोई ट्रैफिक एहलकार भी मौजूद नहीं होगा। आप देखें कि कानून को बिल्कुल उसकी धज्जियां उड़ा दी जाती है। एक तरफ तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि स्कूल टाइम्स के ऊपर इतने बड़े बड़े ट्रक्स निकल के बाहर आ जाते हैं, लेकिन दूसरी जानब आप ये भी देखें कि कितनी गैर, उन्होंने पूरी बस को ही जला दिया है। आपको चाहिए था कि आप बकायदा तौर पर पुलिस को या किसी को इन्फॉर्म करते कि ये सूरत हाल हुई, उसके बाद ये बकायदा वहाँ पर आप उसकी गिरफ्तारी अमल में लाते, कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई करते। लेकिन ये कहना तो गलत बात है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ एहसन अब्बासी से। एहसन अब्बासी, बताइए क्या बच्ची कहाँ जा रही थी? देखिए ये 4 साल बच्ची है, सब अपने वालिद के साथ जो है वो। हेलो, आवाज आ रही है एहसन? आप तक हमारी आवाज पहुँच रही है? जी मेरा ख्याल है एहसन से हमारा। हाँ अच्छा ठीक है, एहसन अब्बासी आप तक आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आपकी आवाज। एहसन अब्बासी, इस वाकये की तफसीलात बताइए। जी बिल्कुल, देखिए हुआ ये, सुबह जो है वो बच्ची अपने वालिद के हमरा मोटरसाइकिल पाकिस्तान की जानिब से गुल प्लाजा जाने वाले ट्रैक पे सवार थी, जिस दौरान ये 4th बस है जिसने तेज रफ्तारी के बाइस जो है ये एक हादसा पेश आया, जो मोटरसाइकिल सवार शख्स से टकराई और बच्ची गिरने पे जो है सर पे चढ़ गया। उसी वक्त मौके पर ही बच्ची जो है वो दम तोड़ गई। फौरी तौर पे लोग जमा हुए और मुश्तैल होने के बाद दोनों बसों को जो है जो आपस में रेस लगा रही थी उनको जो है वो आग लगा दी गई है, जबकि साथ एक दो मोटरसाइकिलें भी जो है उनको भी आग लगाई गई। इस वक्त जो है बस CNG सिलेंडर बस में मौजूद है, तो वो CNG सिलेंडर में जो है वो आग पहुंच गई है, जिसके बाद जो है इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जोरदार धमाका मुमकिन हो सकता है। गैस बहुत तेजी से खारिज हो रही है, साथ वाले जो लोग हैं शहरी हैं उनको भी दूर कर दिया गया है, रोड को ब्लॉक कर दिया गया है ताकि कोई आगे। ऐसा लेकिन हमें फुटेज में दिखाई दे रहा है लोग अब भी आसपास मौजूद हैं। आप जैसे कि बता रहे हैं कि बड़ी खतरनाक सी सूरत हाल हो सकती है, गैस निकल रही है, आग लग सकती है किसी भी वक्त, वहां पर कोई अहलकार आप देख रहे हैं मौजूद है जो इस सिचुएशन को लोगों को दूर करने के लिए, वहां से हटाने के लिए कोई इस तरह की कार्रवाई कर रहे हो? देखिए पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और ऑपरेशन पुलिस तो मौजूद है, लेकिन अलमिया ये है कि फायर फाइटर्स अब तक यहाँ वाकये को आधा घंटा गुजर चुका है, करीबी जो है वो फायर फाइटर्स के स्टेशन मौजूद है, लेकिन एक भी गाड़ी जो है वो इस वक्त मौके पर नजर नहीं आ रही और शदीद तश्वीशनाक सूरत हाल है। तेजी के साथ जो है गैस सिलेंडर से गैस खारिज हो रही है। ये वो बसें हैं जो ऐसा पुलिस कहाँ, अहलकार कहाँ है? ट्रैफिक अहलकार जो है वो ट्रैफिक को डाइवर्ट करने की पोजिशन पे मौजूद है, क्योंकि अतराफ में ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है, क्योंकि जिस सड़क पे ये रोड मामा पार्टी स्कूल के सामने ये बसों को आग लगाई गई है, उसको ट्रैक को शहरियों के लिए बंद कर दिया गया है। ड्राइवर इस वक्त कहाँ पर है, कुछ पता चल सका है उसके बारे में? देखिए जब हादसा पेश आता है अमूमन इस किस्म का, तो सबसे पहला जो काम होता है वो ड्राइवर का होता है कि वो मौके से फरार होता है, और इस दफा भी मौके से फरार हुआ है ड्राइवर, लेकिन पुलिस अगर हरकत में आए और चाहे तो ड्राइवर को। ठीक है, अभी तक पुलिस ही हरकत में नहीं आई है, इतना बड़ा वाकया हो गया है, मामा पासी स्कूल है जिसके सामने तमाम ये वाकया हुआ है, 4 साल बच्ची को बस ने कुचल दिया है, और ये वाकया इस नतीजे में हुआ है कि दो बस जो है वो आपस में रेस लगा रही थी, जिसके नतीजे में ये बच्ची जो है कुचली गई है। बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक वाकया, और पुलिस अभी तक हरकत में नहीं आई है। इन बसेस के ड्राइवर्स के हवाले से जो है किसी किस्म का कोई तहकीकात का आगाज नहीं किया गया है। ऐसे नबा अभी जो ताजा तरीन सूरत हाल है वो क्या है, इस बच्ची के वालिद वालदैन घर वाले कहाँ हैं, उनसे बात हुई है?
जी बिल्कुल, ऐसा जो सिलेंडर के हवाले से मैं बता रहा था कि गैस के सीएनजी सिलेंडर है तो एक सिलेंडर ब्लास्ट कर गया है, जोरदार धमाका हुआ है जिससे मजीद खौफनाक फैल गया, बस को मुकम्मल तौर पे अपनी लपेट में लिया हुआ है और तेजी से गैस खारिज हो रही है। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले लेकिन इस वक्त अहम किरदार फायर फाइटर्स का होता है जो कि इस वक्त मौके पर नजर नहीं आ रहे कि फौरी तौर पे आग पे काबू पाया जा सके, क्योंकि ये इन बसों में अमूमन जो है 4 से 5 गैस सीएनजी सिलेंडर मौजूद होते हैं जो एक और नाखुशगवार वाक्य हो सकते हैं। इस वक्त पोजीशन पे जो सूरत हाल देखने में आ रही है, करीबी दूसरा ट्रैक है जिसमें कई गाड़ी लंबी कतारें लगी हुई है ट्रैफिक जैम होने के बाद वो मौजूद है, तो दूसरा नुकसान से बचने के लिए ट्रैफिक वार्डन्स तो मौजूद है, पुलिस मौजूद है डायवर्ट करने के लिए, लेकिन फायर फाइटर नजर नहीं आ रहे कि जल्दी आपकी बस पे जो है वो काबू पाया जा सके। रही बात बच्ची के वालदेन और बच्ची की, तो उसकी लाश को दाखिल कर दिया गया है अस्पताल में और वहां से जो है वो उसके बुरसा जो है उसको लाश को लेके जाएंगे। दूसरी जानब अब से जब वाकया जो है ये जो आग लगी है यहाँ से निपटता है तो उसके बाद वाकये का यकीनन मुकदमा दर्ज होगा। मुकदमा दर्ज होने के बाद ड्राइवर और जो इंतजामिया है उनको भी जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए और पहुंचाना, लेकिन ये जो बसें हैं जो सुबह सवेरे सड़कों पर इंसानी जानों से खेलती हैं, रेस लगाती हैं, इनके खिलाफ जो है इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई देखने में नहीं आई है। क्यों आप हमारे साथ ही रहिएगा, इस वक्त अपने नाज़रीन को आगाह करते चलेंगे। कराची में प्लाजा के करीब बस ने 4 साल बच्ची को कुचल दिया है, जिसके बाद शहरियों ने बस को आग लगा दी है और इस वक्त हालात कुछ यूं हैं कि उस इलाके को भी क्लियर कराने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बस से गैस निकल रही है जिसके बाद हो सकता है कि वहां पर आग भी लग जाए और यही वही सूरत हाल है सब जिसके बारे में मैं कह रही थी। ठीक, मासूम जान चली गई लेकिन बाकियों की जान जो इस आग लगने से खतरे में आ चुकी है, जो ट्रैफिक की रवानी मौतल हो गई है, ये भी एक बहुत ही गलत फेल है। लेकिन डेफिनेटली जो इस वक्त मौके से फरार हुआ है ड्राइवर, मेरा ख्याल है कि सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी अमल जी। हाँ बिल्कुल, लास्ट न्यूज़ की स्क्रीन पर आप ये मनाज़िर देख सकते हैं, ये बस को आग लगाई है और ये मनाजिर आप आज उसकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है, 4 साल बच्ची है जो कि इस बस के जरिए कुचली गई है और ये वाकया इसलिए पेश आया है कि दो बस ड्राइवर इस टाइम पर सुबह जा रहे थे जिसके नतीजे में ये बच्ची बाइक पर बैठकर जा रही थी और गिरने के बाद इस बच्ची के साथ ये हादसा पेश आया है। जहां बहुत हो चुकी है, ये बच्ची अपनी जान से जा चुकी है। ये बच्ची इस बच्ची की लाश को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। इसकी वर्सा की जानिब से अभी किसी भी किस्म का कोई बयान, कोई मुकदमा दर्ज कराने के हवाले से कोई चीज सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस जो है वो इंतहाई बेबस दिखाई दे रही है क्योंकि एक और वाकया यहाँ पर सरजद होने की बात है, क्योंकि सिलेंडर जो है वो बस में मौजूद है जो कि खतरनाक साबित हो सकता है बाकियों के लिए भी। दूसरी रोड पर ट्रैफिक भी रवा दवा है लेकिन इंतजामिया कुछ बेबसी दिखाई दे रही है। पुलिस वहां पर मौजूद जरूर है लेकिन सूरत हाल कुछ कंट्रोल होती हुई नजर नहीं आ रही है, जबकि ड्राइवर के हवाले से अगर बात की जाए तो वो फरार हो चुका है। एहसन अब्बासी से एक दफा फिर से हम रब्ता कायम करेंगे। एहसन, ये बताइएगा कि जो बस ड्राइवर है वो तो फरार हो गया है लेकिन पुलिस क्या कह रही है? पुलिस के इस हवाले से तहकीकात की जा रही है, उसको पकड़ने के लिए किसी किस्म के इकदाम किए जा रहे हैं और इस शहर में जो सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं क्या उनकी मदद से उनको आसानी से पकड़ा जा सकेगा? देखिए सबसे पहले तो अगर आप मेरी आवाज आ रही हो, क्योंकि यहाँ पे शदीद जी बिल्कुल आ रही है सिलेंडर की और बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है, किसी भी वक्त जो है अगर इस हादसे पे काबू नहीं पाया गया तो एक और हादसे का शिकार हो सकते हैं। फायर फाइटर जो है वो पहुंच गए हैं और उन्होंने जो है वो स्प्रे का अमल शुरू कर दिया है। फौरी तौर पे अगर इस पे काबू नहीं पाया गया तो सिचुएशन इतनी खतरनाक है कि यकीनन जो मौजूद सिलेंडर है वो भी धमाके से फट नुकसानों का जो है वो अंदिया है। यहाँ पर पुलिस मौजूद है, कानून नाफिज करने वाले इदारे नजर आ रहे हैं, लेकिन मेन किरदार जो है वो फायर फाइटर्स ही अदा करेंगे जो इस वक्त मौके पर फौरी तौर पे पहुंचे हैं, ताखीर के साथ यकीनन पहुंचे हैं, लेकिन आ रहे के फौरी पहुंचते ही जो है उन्होंने सेकंडों में काम शुरू कर दिया और अगर इस पे मिनटों में काबू पा लिया गया तो इन दोनों सूरत हाल पे काबू पाया जा सकता है। लेकिन इस वक्त भी यकीनन आवाज आपको आ रही होगी, बहुत तेजी से गैस खारिज हो रही है। इन गैस के जो सीएनजी सिलेंडर बस में मौजूद है, ये वो बस है जिनको कई साल पहले ही जो है वो खत्म शुद्ध करार दे दिया गया है फिटनेस सर्टिफिकेट बावजूद, जो है रिश्वत का बाजार हमारे मुल्क में, शहर में इतना है। बहुत शुक्रिया एहसन अब्बासी, आप हमें अपडेट कर रहे थे कराची से जहां पर प्लाजा के करीब बस ने 4 साल बच्ची को कुचल दिया है जिसके बाद शहरियों ने बस को आग लगा दी। इंतहाई अफसोसनाक वाकया कराची में पेश आया। अफसोसनाक बात इसमें ये है कि जी इस जिस टाइम के ऊपर ये वाकया पेश आई, ये स्कूल जाने का वक्त होता है और इस टाइम पर ये दोनों बस ड्राइवर रेस लगा रहे थे, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। आगे बढ़ेंगे और पेशावर के
इलाके बाद के हवाले से आपको अपडेट करें, जहां पर अब से कुछ देर कबल धमाका हुआ है, पुलिस की गाड़ी के करीब ये धमाका हुआ है। इस हवाले से भी तफसीलात जानने थे, हमारे नुमाइंदे आमिर जमील हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जी आमिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, ये हादसा किस तरह से पेश आया? वाकया पेश आया जिसमें एडिशनल आईजी अशरफ नूर जो है वो अपने घर से जो है जा रहे थे ऑफिस की जानिब के हयाताबाद जरगुनी मस्जिद के करीब, उन पर ब्लास्ट हुआ है। यहाँ पर पुलिस और दीगर नफरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ताहम जो गाड़ी है जिसमें अशरफ नूर साहब सवार थे वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। गाड़ी में आग लगी हुई थी जिसे 112 की जानिब से बुझा दिया गया है। ताहम जरा हमें ये बात कन्फर्म कर रहे हैं कि एडिशनल आईजी और उनका गनमैन जो है वो इस अफसोसनाक वाकये में शहीद हो चुके हैं, और जबकि दूसरी तरफ इलाके को कार्डन ऑफ कर दिया गया है। जी ठीक है आमिर जमील, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रही है पिशावर से, आपको इस कर रहे हैं। पिशावर का इलाका है हयाताबाद, जहां पर पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका हुआ है और साथ साथ जानी नुकसान भी हुआ है। आमिर जमील जो है हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, आमिर जमील से मजीद तफसीलात जानते हैं। आमिर जमील, इंतहाई अफसोसनाक ये वाकया है, हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको गाहे बगाहे निशाना बनाया जा रहा है, आप बताइए कि अभी क्या तफसीलात हैं, क्या इकदाम हो रहे हैं, तहकीकात का आगाज कर दिया गया है? आमिर जमील, आमिर जमील से हमारा रابطہ जैसे ही होगा तो हम आपको इस हवाले से मजीद भी अपडेट करेंगे, लेकिन पिशावर से आपको इस अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। पिशावर का इलाका है हयाताबाद, जहां पर पुलिस की गाड़ी के करीब जो है वो धमाका हुआ है। अफसोसनाक ये खबर है, एक दफ़ा फिर से सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो निशाने पर हैं, और जैसे ही हम देखते हैं कि हालात बेहतर होने लगते हैं, जैसे ही हम देखते हैं कि सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल होने लगती है, वैसे ही तमाम चीज़ें जो है वो मैस अराउंड होना शुरू हो जाती हैं। और पिशावर में इससे पहले भी कहा जा रहा था कि हाई अलर्ट है, पिशावर कानून साजी की जा रही थी, पिशावर में इससे पहले भी जो है ये बात की जा रही थी कि अब नेशनल एक्शन प्लान को मजीद मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी कोयटा में जो है हाई अलर्ट है। उसके बाद पिशावर जो है वो एक ऐसा शहर है, एक ऐसा इलाका है जहां पर जब भी अमन बहाल होता है, वहां पर जब भी सिक्योरिटी फोर्सेज की कोशिशों से जो है वो अमन लाने की कोशिश की जाती है, तो इस तरह के हालात और वाकयात जो है वो सामने आते हैं। इससे पहले भी यही कहा जा रहा था कि जो सॉफ्ट टारगेट थे दहशतगर्दों की, यही कोशिश होती थी कि उनको निशाना बनाएं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज के इकदाम के बायस अब वो सॉफ्ट टारगेट को निशाना नहीं बना सकते हैं, तो उन्होंने डायरेक्टली जो है अब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को और हमारी तमाम जितने भी हमारे उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पिशावर के हवाले से अगर बात की जाए, कोयटा के हवाले से अगर बात की जाए, बलूचिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए, तो एक ओवरऑल दहशतगर्दी की लपेट में ये तमाम जो है वो शहर नजर आते हैं, क्योंकि बाद इस तरह की खबरें यहां से मौसूल होती हैं कि कहीं पर किसी गाड़ी को निशाना बनाया गया, कहीं पर किसी रोड पर चलते हुए ट्रक पर पुलिस ट्रक को निशाना बनाया गया, को निशाना बनाया गया, कहीं टारगेट किलिंग की जा रही है। ओवरऑल हालात जो है इन तमाम शहरों के कुछ ना कुछ खराब होते हुए नजर आते हैं, जिस हवाले से मजीद इकदाम सख्त किए जाते हैं और फिर ज्यादा हाई अलर्ट होता है। पिशावर की बात की जाए तो यहां पर पहले से ही हाई अलर्ट था, कोयटा की बात की जाए तो यहां पर पहले से ही हाई अलर्ट था, और आज ये खबर सामने आई है कि ये धमाका पुलिस की गाड़ी के करीब हुआ है, जिसमें जानी नुकसान भी हुआ है। इंतहाई अफसोसनाक खबर है, आज न्यूज़ की स्क्रीन पर भी आप ये मनाजिर देख सकते हैं, किस शिद्दत का धमाका था ये, किस तरह का धमाका था ये, इस हवाले आएंगे, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ आम खबर से आगाह कर रहे हैं कि पिशावर का ये इलाका है हयाताबाद, जहाँ पर पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका हुआ है। हयाताबाद में इससे पहले भी दहशतगर्दी करने की कोशिश की गई है, इससे पहले भी यहाँ पर काफ़ी लोगों को निशाना बनाया गया है, और एक दफ़ा फिर से आज हम देख रहे हैं कि फिर से निशाना बनाया गया है, और इस दफ़ा दहशतगर्दों के निशाने पर यह पुलिस एहलकार है। आज न्यूज़ की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ये वो तमाम मनाजिर हैं, ये वो तमाम जगह हैं जहाँ पेश आया है। एक दफ़ा फिर से दहशतगर्द जो है वो सरगर्म हो गए हैं, और पिशावर में इस धमाके की खबर सामने आई है, जिसके हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। इससे पहले कोयटा से भी ये खबरें सामने आ रही थी, और अगर बात की जाए अफगानिस्तान के हवाले से, तो वहाँ पर भी बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से इसीलिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं, पाकिस्तान की जानिब से इसीलिए कोशिशें की जा रही हैं ताकि इस तरह की दहशतगर्दी को पाकिस्तान के अंदर रोका जाए। और इसी हवाले से इंतहाई अफसोसनाक खबर है ये कि एडिशनल आईजी जो है वो इस धमाके में शहीद हो गए हैं। एहसन अब्बासी हमारे साथ लाइन पर हैं, जिनसे मजीद तफसीलात जानेंगे, और आमिर जमील भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर जमील, इस हवाले से अपडेट कीजिए। आमिर जमील, मेरी आवाज आपको तक पहुंच रही है? जी आमिर जमील, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें एडिशनल आईजी और उनका गनमैन जो है
अफसोसनाक वाक़े में शहीद हो चुकी हैं। अज़र राय के मुताबिक जो हमें तफसीलात मिली हैं उसमें बताया जा रहा है कि वो सुबह के वक्त ऑफिस के लिए घर से निकले थे। ज़रगुनी मस्जिद का ये इलाका है हयातबाद का, जिसमें कि ये अफसोसनाक वाक़ा पेश आया है। अभी तक बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये आई था, जिसके बाद जैसे ही गाड़ी उसके करीब पहुंची तो उससे धमाका हुआ, गाड़ी में आग लग गई। अशरफ नूर एडिशनल आईजी हेडक्वार्टर जो थे और उनका गनमैन भी इसमें मौजूद था। गाड़ी में आग लगी थी और जिसके बायस गाड़ी के अंदर जो सवार थे वो इसमें जल भी गए हैं, और बताया गया है कि दोनों जो सवार थे वो इसमें शहीद हो। जैसे कि मेरा कैमरा आपको बता सकेगा कि ये इस वक्त जो है इलाके को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन हुआ है। बम डिस्पोजल यूनिट रेस्क्यू 111 और दीगर जो इदारे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तफ्तीशी इलाके यहाँ पर सीनियर अफसरान भी पुलिस के पहुँच चुके हैं, जो कि इस वक्त जाए वकूआ का मुआयना कर रहे हैं। तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है, गाड़ी को देखा जा रहा है, और जबकि जहाँ पर आईडी नसब किया गया था उस जगह को भी देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक इलाका क्लियर नहीं है। इस वजह से मीडिया को और दीगर जो इदारे हैं उनको जानने की कोशिश की जा रही है, ताकि अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर दूसरा कोई आईडी नसब किया गया हो तो उससे बचाया जा सके। इस वक्त बम डिस्पोजल यूनिट जो है वो इलाके को क्लियर करने की कोशिश कर रहा है, तो हम अभी तक क्लियरनेस नहीं मिल सकी है। सिक्योरिटी इदारे पुलिस और दीगर जो तंजीमें हैं जिसमें रेस्क्यू 111 ईडी और दीगर जो तरीके से तंजीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो डेड बॉडीज़ हैं उनको करीबी अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है, तो हम इलाका जो है उसकी अभी भी मुआयना किया जा रहा है, उसकी तफ्तीश यहाँ पर जारी है। ठीक है, अच्छा आमिर जमील, अशरफ नूर एडिशनल आईजी हेडक्वार्टर जो है वो इस हादसे में शहीद हो गए हैं, तो ये बताइए कि जो उनकी जो जसद खाकी है उनको कहाँ पर ले जाए मुंतकिल कर दिया गया है, आपकी उनसे या किसी और से बात हुई है, किसी किस्म की कोई हाई अलर्ट था, किसी किस्म का उनको कोई थ्रेट था? देखें, खैबर पख्तूनख्वा और खास तौर पर पिशावर में थ्रेट्स तो मौजूद थी, पिछले कई अरसे से यहाँ पर सूरत हाल जो है वो काफ़ी कंट्रोल थी, और किसी किस्म के यहाँ पर जो धमाके जो रोज़ाना की बुनियाद पर होते थे अब काफ़ी हद तक कंट्रोल थे, और यही वजह थी कि आईजी की जानिब से और दीगर जो यहाँ पर अफसरान हैं उनकी जानिब से ये बात बार बार बताई जा रही थी कि जो जराइम और दहशतगर्दी की में खातर ख्वा कमी वाकई हुई है। तो हम बताया ये जा रहा है कि थ्रेट्स वहाँ पर मौजूद हैं और इन थ्रेट्स को कंट्रोल करने के लिए जारी थी। तो हम आज सुबह 9 बजे के करीब यह इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो है ये पेश आया, जिसमें एडिशनल आईजी हेडक्वार्टर अशरफ नूर साहब जो हैं वो इसमें शहीद हुए हैं। जराए ने बात बताई है कि एडिशनल आईजी जो थे वो सुबह ऑफिस के लिए निकले थे, घर उनका हयातबाद में है, अपने घर से निकले हैं, उनके हमरा उनके गनमैन भी था जो कि गाड़ी में सवार थे, और जैसे ही ये ज़रगुनी मस्जिद के करीब पहुँचे हैं तो ग्रीन बेल्ट में बारूदी किया गया था। तहम ये बात अभी कंफर्म नहीं है, बम डिस्पोजल यूनिट और दीगर जो सरकारी अफसरान हैं वो जब तक कंफर्म करेंगे उसके बाद ये बात हतमी तौर पर हम बता सकेंगे कि आया ये बम डिस्पोजल आया ये आईडी ब्लास्ट था या हमारे साथ ही रहेगा। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से आगाह करते चले कि पेशावर के इलाके हयातबाद में पुलिस की गाड़ी के करीब ये धमाका हुआ है। एडिशनल आईजी इस वाके में शहीद हो चुके हैं, जबकि इब्तदाई तफ्तीश का आगाज है, अब तक इलाका क्लियर नहीं कराया जा सका, जबकि बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो इस वक्त इलाका क्लियर कराने में मसरूफ है। डेड बॉडीज को करीबी अस्पताल मुंतकिल भी कर दिया गया है, जबकि गुज़िश्ता काफी वक्त से अगर हम देखें तो हालात यहां पर काफी मामूल पे था। इस बार जो है काफी अरसे बाद पेशावर को निशाना बनाया गया है, पेशावर के इलाके हयातबाद में पुलिस की गाड़ी के करीब ये धमाका पेश आया है। आमिर जमील हमारे साथ है, आमिर जमील ये बताएगा कि तफ्तीश का आगाज तो कर दिया गया है, इब्तदाई तफ्तीश में अब तक कुछ सामने आ सका है? देखिए, ये इंतहाई इब्तदाई वाक़िया है, मतलब अभी थोड़ा ही वक्त हुआ है कि इस अफसोसनाक वाक़े को तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया, लेकिन अभी तक कुछ नतीजे सामने नहीं आए हैं। बम डिस्पोजल यूनिट और दीगर जो तफ्तीशी इदारे हैं वो यहाँ जाए वकूआ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि 9 बजे के करीब ये वाक़या पेश आया और अभी तफ्तीश जो है वो जारी है, रिज़ल्ट अभी तक सामने नहीं आए। जो डेड बॉडीज़ हैं उनको मुंतकिल कर दिया गया है अस्पताल की जानिब, लेकिन उनका भी अभी जो है फॉरेंसिक वगैरह किया जाएगा, जबकि गाड़ी से जो है अहम शवाहद जो हैं और इलाके के जो इर्द गिर्द के इलाका है वहाँ पर शवाहद जो हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि तफ्तीशी टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, बम डिस्पोजल यूनिट मौजूद है, वो भी अपनी तफ्तीश
करें कि आईडी ब्लास्ट था या इसमें गाड़ी के अंदर कोई बारूदी मवाद नसब किया गया था या रोड पर बारूदी मवाद नसब किया गया था। लेकिन तहम इस सारी सिचुएशन के बावजूद मैं आपको थोड़ा सा इलाके का महल वकूफ़ भी बताना चाहूँगा कि हयातबाद का ये इलाका पोश इलाका है, यहाँ पर कई अफसरान जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर 2 से 3 दफ़ा जो है मुख्तलिफ वाक़ियात इसी किस्म के अफसोसनाक वाक़ियात पेश आ चुके हैं जिसमें मुख्तलिफ जो है जजेस पर भी इसमें हमले हो चुके हैं और आज जिसमें एडिशनल आईजी पर ये हमला हुआ है और एडिशनल आईजी इसमें इस अफसोसनाक वाक्य में शहीद हो चुके हैं। इलाका जैसे कि मैं दिखाऊँ, मेरा कैमरामैन यहाँ पर आपको बताएगा कि इलाके को मुकम्मल तौर पर अभी भी कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। ठीक है, इलाके को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ किया गया है। इंतहाई अफसोसनाक वाक्य ये पेश आया है पोश पेशावर में हयातबाद के करीब, जहां पर ये इंतहाई अफसोसनाक हादसा पेश आया है। गाड़ी के करीब धमाका हुआ है जिसमें एडिशनल आईजी अशरफ नूर जो हैं वो शहीद हो गए हैं। आमिर जमील, एडिशनल आईजी के हवाले से हम जानना चाहेंगे, इनकी ओवरऑल सर्विसेज के हवाले से हम जानना चाहेंगे, ये यहाँ पर कब से तैनात थे और ये क्या काम जो है वो सर अंजाम दे रहे थे। डेफिनेटली इनकी बड़ी जिम्मेदारियाँ थी, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और तहाल आज देखा कि दहशतगर्दों ने इनको निशाना बनाया, इनके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, देखें ये इंतहाई अहम पोस्ट है हेडक्वार्टर की, इस पूरे सूबे को जो है यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। एडिशनल आईजी हेडक्वार्टर जो है तैनाती और इस किस्म के दीगर जो अहम उमूर हैं वो सर अंजाम देते हैं। तहम जैसे कि हम देख सकते हैं कि इनके साथ सिक्योरिटी के जो खातर ख्वाह इंतजाम थे वो नहीं थे, वो अपनी गाड़ी में थे, उनके साथ स्क्वाड हमें नज़र यहाँ पर, हालांकि एडिशनल आईजी एक अहम पोस्ट है और उसके साथ उनका एक स्क्वाड होना चाहिए था। वैसे तो हम वीआईपीस को और दीगर उनको प्रोटोकॉल भी दे रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा गाड़ी उनके साथ होते हैं, लेकिन अहम जो सिक्योरिटी अफसरान हैं उनके साथ हमें इस हमले के साथ हमने नहीं देखा कि इनके साथ कोई स्क्वाड हो। उनके साथ गार्ड्स थे, 2 गार्ड उनके साथ थे, जबकि बताया गया है कि एडिशनल जो आईजी हैं उनके साथ उनका गार्ड जो है वो भी इस अफसोसनाक वाक्य में शहीद हुआ है। जैसे आपने पूछा है कि इसकी पोस्ट की अहमियत, तो काफ़ी ज़्यादा इसकी अहमियत है, जितनी भी अहम पोस्ट है और खबर से पेशावर के इलाके हयातबाद में अफसोसनाक वाकया है जहां पर पुलिस की गाड़ी के करीब ये धमाका हुआ है जिसके बाद गाड़ी में आग लग गई और एडिशनल आईजी जो है उन्होंने जाम शहादत नोश किया। इंतहाई अफसोसनाक खबर, में सभा सोच रही थी कि आज हम आए बिल्कुल करेंगे, फ्राइडे था और उसके बाद फिर ये कि वीकेंड भी आ रहा था, लेकिन अफसोसनाक खबरें जो हैं वो यहाँ पर आई हैं। इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको जरूर बताएंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, स्टे विद अस, की पॉजिटिव गुड मॉर्निंग। आज वेलकम बैक नाउ, और जनाब अब क्योंकि हम वापस आ चुके हैं और ओवरऑल तमाम ब्रेकिंग हैं तो वो तमाम तर चीज़ें जो है उस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले हम नजर डालेंगे आज के हमारी टॉप स्टोरीज पर। चले जी, टॉप स्टोरीज आज की हमारी क्या है? टॉप स्टोरीज हैं इस्लामाबाद का धरना, जिसके हवाले से हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियोज में सीनियर सहाफ़ी नफीस नईम साहब और उनसे इस ओवरऑल सूरत हाल पर हम डिस्कशन करेंगे। नफीस भाई, जो हम कह रहे थे बात वही हुई और वही बात सामने आ गई जो कि मैं आपको काफ़ी दिनों पहले कह रही थी कि नून लीग जो है वो डरी हुई है कि उसका वोट बैंक मुतासर हो रहा है और आज वही बात एहसन इकबाल ने कह दी। बिल्कुल, ये लोग भी शुभन में थे कि आखिर हुकूमत जो है वो टू बी और नॉट टू बी में क्यों फंसी हुई है, कि करे या ना करे। तो आप ये मौके एहसन इकबाल ने एक अपना क्लियर कर दिया है कि हुकूमत को असल में जो असल अप्रिहेंशन है वो यही है कि हुकूमत बैंक जो मुतासिर होगा, अगर एक्शन हुआ तो वो कह रहे हैं कि बरेलवी मसलक से हमें लड़ाने की कोशिश है और हमारी हतुलमकान कोशिश है कि मुजाकरात के जरिए मामला हल हो जाए, ताकत का इस्तेमाल ना हो। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बड़ा क्लियर कर दिया कि रोड पर बैठे हुए लोग जो हैं, सड़क पर बैठे हुए लोग वज़ीर कानून का इस्तीफे का मुतालबा नहीं कर सकते, ये पार्लियामेंट का काम है और हुकूमत कैपिचुलेट नहीं करेगी। इसका मतलब है कि अब मुज़ाकरात की, फिर हम ये देख रहे हैं कि मुज़ाकराती कमेटी, जो मुज़ाकराती कमेटी बनी थी, हुसैनुद्दीन साहब जो है वो चले गए जनूबी अफ्रीका 1 माह के लिए, तो वो जो एक गाड़ी चढ़ी थी, ट्रेन चढ़ी थी पटरी पर मुज़ाकरात की, वो भी तातुल का शिकार है। अब मुज़ाकरात, लेकिन एक खबरें ये भी आ रही हैं, एक मुसवदा पेश कर दिया है जिसमें उन्होंने अपनी जो तजावीज़ पेश की हैं, जो कि इस वक्त वजारत दाखिला में है, जो वजारत कानून नहीं गई हैं, वो उन और अपना काम मुकम्मल करके जा चुके हैं, ये एक इतलात है हमारे पास। तो अगर ऐसा है और उन्होंने और ये धरने वालों ने ये कहा है कि हम चलें इस्तीफ़ा नहीं मांगते, लेकिन वजीर कानून जो है वो
वक्ती तौर पर जो है वो अपने जो है वो काम से रुक जाएं काम पर, और फिर जब उन तहकीक हो उसके बाद वो है उनको वापस अपने बहाल कर दिया जाए। इस मामले पर भी जो है वो बात हो रही है, चीत हो रही है। अगर अब वज़ीर दाखला ने कह दिया है कि 24 घंटे बहुत अहम है, वो कोई बहुत अहम ऐलान करेंगे तो हो सकता है, लेकिन साथ में हम जो सबसे बड़ी कहानी देख रहे हैं वो कोर्ट का रिएक्शन है जो इंतहाई संगीन, जिस तरह मैं कहता हूँ ना कि बहुत टफ लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, इससे ज़्यादा सरजनिश तो नहीं की जा सकती। जो उन्होंने असम्बली एजेंसीज के बारे में भी कहा कि ISI और IB की रिपोर्ट पर एतराज़ात किए हैं कि अल्फ बंदों के नाम आपने दे दिए, बताएं कि इनकी सप्लाई लाइन कहाँ से आ रही है, कौन इन्हें फीड कर रहा है, ये कहीं बाहर के लोग हैं, आप लोग खामोश क्यों हैं, क्या एजेंसी इतना पैसा इन पर खर्च हो रहा है, इनका किरदार क्या है? लफी साहब, अब तो सप्लाई लाइन बंद करना शुरू कर दी है उन्होंने, इवन हम अभी मैं खबरें देख रही थी तो उसमें बता रहे थे कि जी अब ये खाने पीने की जो तरसील हो रही है वो भी अब बंद करेंगे, तो ओवरऑल अब ये इम्प्लीमेंटेशन तो शुरू हो रही है। और साथ साथ अभी आपने जिक्र किया है कि 24 घंटे के अंदर कोई अहम फैसला वज़ीर दाखला की तरफ से मुतवक्के है, आपको क्या लगता है कि जो फैसला किया जाएगा वो किस तरह का फैसला हो सकता है, क्या फिर से कोई एक्शन लिया जाएगा या कोई किस तरह का अहम फैसला हो सकता है? एक्शन के इम्कान तो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उनके बयानात हैं अब तक, वो बहुत कम है, क्योंकि अब दूसरी जमातें भी यही इसी पर जोर दे रही हैं। खुद जो मुज़ाकराती कमेटी 6 रुकनी कमेटी बनाई थी उसका भी जो ऐलानिया था उसमें यही ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत जो है इस पर आएगी, लेकिन अगर हालात बढ़ते हैं और नागुजीर होता है तो फिर तो ये इसका ऑप्शन है, ये उन्होंने इसको जो ना इस्तीफे का ऑप्शन रख सकते हैं, बीच में इस्तीफा भी दिया जा सकता है। इस्तीफे का ऑप्शन के इम्कान बहुत कम है, क्योंकि हुकूमत की ये कहना है, उनका मौकफ ये है कि अगर ये इस्तीफा ले लिया गया तो एक रिवायत कायम हो जाएगी, हर कोई भी जो ना एक गुरु आके जो है वो किसी मुकाबला करेगा, होगा क्या नहीं होगा देखा जाएगा। अच्छा, हमारी एक टॉप स्टोरी थी कि हाथ मिलाओगे नहीं, अब नहीं, अब आप समझ गए होंगे कि किसकी बात हो रही है। जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत सख्त मौके इख्तियार किया है, और जरदारी साहब ने कहा है मिसाक़ जमहूरियत के नाम पे आपने हमें धोखा दिया है, और नवाज शरीफ साहब को जब भी अपनी जात के मौका वो होता है तो उन्हें मिसाक़ जमहूरियत याद आती है, और अब उनसे ऐसा कोई रब्ता नहीं होगा, ना मुलाकात से भी इनकार कर दिया है। ना सिर्फ जरदारी साहब ने इनकार किया बल्कि बिलावल ने भी उन्हें मौका परस मफाद परस्त सियासतदान का खिताब दिया, उन्होंने का क्या पता कि नजरिया होता क्या है, और ये नजरिया उनकी जात तक महदूद है। ठीक, चलें जी, इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे, लेकिन गुड मॉर्निंग आज मैं यहाँ आ गया है एक शॉर्ट ब्रेक, सो कहीं जाएगा मैं, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग आज। गुड मॉर्निंग आज, वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आल। और जनाब, ब्रेक के बाद फिर से हम वापस आ चुके हैं, और नफीस सेम साहब हमारे साथ मौजूद है, बात हो रही थी कुछ नवाज शरीफ के हवाले से और आसिफ जरदारी के हवाले से, जो कि मुफाहमत के बादशाह भी कहलाए जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपना हाथ पीछे कर लिया। क्या समझते हैं नफीस साहब, आप इस वजह से तो नहीं जो पीपल्स पार्टी की जानिब से बैक ऑफ किया जा रहा है कि वो समझते हैं कि अब नून लीग जिस सिचुएशन में है ये इससे तो बाहर नहीं निकलती, या जिस तरह के हालात नून लीग के अब हैं, नवाज शरीफ के अब हैं, इस तरह के हालात कभी पहले नहीं हुए? अनम, अगर हम कंपेयर करें ना नवाज़ शरीफ साहब की इस वक्त मंजिल क्या है, पीपल्स पार्टी की मंजिल क्या है, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि दोनों अपनी अपनी मौक़िफ़ पर कायम हैं और सही हैं। नवाज़ शरीफ साहब ने तो आपके पता है कि नाहली के बाद उन्होंने बेड़ा उठा लिया उनके महाजराई का, एक उनकी मंजिल ये है जो वो चाह रहे हैं, जो है वो देख रहे हैं इलेक्शन, उन्हें चाहिए अपना वोट बैंक इंटैक्ट रखना और उसको मज़ीद स्ट्रेंथन करना। अगर नवाज़ शरीफ के साथ उनकी मुलाकात की भनक भी पड़ गई उनके वोटर्स को या उनकी पार्टी के लीडरान को, तो वहाँ पर उनका वोट बैंक मुतासर होगा, ना सिर्फ उनकी क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ जाएगा बल्कि उनका वोट बैंक भी मुतासर होगा, कि नवाज पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पार्टी भी मुतहमल। देखें, फरतुल्ला बाबर की अगर आप बयान को देखें तो पूरी हकीकत उन्होंने आश्कार कर दी है कि फिलहाल नवाज शरीफ साहब की जरदारी साहब की नवाज शरीफ साहब से मुलाकात का कोई इम्कान नहीं है फिलहाल, और ना ही कोई हम इस पे मुज़ाकरात या कोई फिलहाल वाला जुमला है ना नफीस भाई, इसी के ऊपर अगर फोकस किया जाए तो बातचीत का कोई इम्कान नहीं है, पीपल्स पार्टी इंटैक्ट रखना चाहती है अपने वोटर, पीपल्स पार्टी ने कुछ काम तो करके दिखाया नहीं अपने दौरे हुकूमत में भी, तो अब उसके पास एक यही तुर्क का पत्ता है कि जी हम नून से नाराज जो है वो करके सब कुछ दिखाएंगे, लेकिन कब तक, क्योंकि डायलॉग तो दोनों को करने पड़ेंगे, अगर ये दोनों डायलॉग नहीं करते तो पीछे से PTI जो है वो भी गठजोड़ की सियासत कर रही है, मौलाना समीउल्लाह को मुलाकात की है इमरान खान से, तो मेरे ख्याल में कब तक, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कड़ी शराइत होंगी, जरदारी साहब की जानिब से बड़ी क्लॉज डलेंगे और उसके बाद जाके ये मुफाहमत होगी, और जो भी सूरत हाल बनेगी इन दोनों का पैचअप तो होना, पैचअप किस तरह, देखें सभा, जरदारी साहब और बिलावल दोनों ये कहते हैं
कि हम बात नहीं करेंगे अगर आप, लेकिन हम जमहूरियत के लिए खड़े हैं, आपके लिए नहीं, जात की याद के लिए नहीं, जमहूरियत के लिए पीपल्स पार्टी खड़ी है। और अगर आपने कोई बात करनी है तो सबसे जो हमारा ऑथराइज जो फोरम है वो पार्लियामेंट्री बॉडी है हमारी, आप पार्लियामेंट्री से बात करें, उसको हमने वो किया हुआ है। जो भी आपके तहफ्फुज़ात हैं, जो आपको हमसे मदद तलब है, बात करना है तो आप वहां करेंगे, हम नहीं करेंगे। ये जरदारी साहब और बिलावल दोनों की पॉलिसी है, और कोई भी उनके लीडर ना सिर्फ नवाज शरीफ से मिलना चाहते हैं बल्कि खाकान अब्बासी साहब ने भी रिक्वेस्ट की है मुझसे मुलाकात कर लें। उन्होंने भी पेशअप कराने की कोशिश की कि आप नवाज शरीफ साहब से मिल लें, लेकिन उन्होंने प्लेनली रिफ्यूज कर दिया कि ये मौका और ये वक्त नहीं है। की आड़ में मुलाकात करने का बहाना तो आप लगा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन जो इस वक्त बनी हुई है, और नून लीग ने थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई भी थी। अभी नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा था कि जी मुझे उनसे कोई इतराज नहीं है, कोई पर्सनल तो मसला है नहीं, अगर जमहूरियत के लिए मुझे खड़ा होना पड़ता है मैं साथ खड़ा हूँ अभी। लेकिन पीपल्स पार्टी हम देख रहे हैं कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा सख्त अपने मौके पर। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि ये जो सारी सिचुएशन अब बनती चली जा रही है, आपको कोई ऐसी भिनक नजर आ रही है कि इलेक्शन शायद अभी हो ही ना, लेट या ताखीर या जल्दी की तो बात ही नहीं है, इलेक्शन अभी हो ही ना, ऐसी कोई सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है? देखिए इलेक्शन ना होने का तो अभी इस, क्योंकि डिलिमिटेशन का देखें कि सेनेट के अंदर जो है तीन बार ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल पेश किया गया और तीनों बार कुछ नहीं हुआ। 69 अभी हम बुध को देख रहे थे जिस दिन ये बिल पेश किया है, 69 चाहिए आपको, 50 थे उम्मत थी, लेकिन खुद पीपल्स पार्टी के अरकान नहीं थे, जिस पे आज डॉन का पोल्स इन द बैलेंस के नाम से एडिटोरियल आया। और वो कहते हैं ये हैरान कुन बात है कि पीपल्स पार्टी रिजर्वेशन शो कर रही है। नजर अब्बानी उनके चेयरमैन है, वो कह चुके हैं कि डीलिमिटेशन का मसला अगर अपने इलेक्शन इल्तवा की तरफ चले जाएंगे या ताखिर की तरफ चले जाएंगे, ये पीपल्स पार्टी को सोचना है। आप कह रहे हैं कि जो 5% जो सेंसस ब्लॉक हैं उसकी जो ऑडिटिंग है वो असल मेन की इशू है, तो उसको भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है। आप क्यों फरार हो रहे हैं? तमाम जमातें देखते हैं, वो कहते हैं पार्लियामेंट इज द बेस्ट फोरम फॉर डेमोक्रेसी। तो आप जब आपके पास टाइम आता है, के पास टाइम आता है वहां पर अपनी मौजूदगी शो करने का, तो आप वहां से क्यों चले जाते हैं, क्यों नहीं उस पे काम करते? ये इदारे भी कह रहे हैं। और ये जो आपका सवाल है ना, उसमें भी कि पीपल्स पार्टी का इस वक्त बिल्कुल ये इरादा, पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ के साथ वो जो कहते हैं ना फ्रेंडली, जो उन पर धब्बा लगा था फ्रेंडली अपोजिशन का, उसकी वजह से बहुत नुकसान उठाया है। और ये आखिरी महीने में वो चाहते हैं कि ना सिर्फ उस दाग को धो लें, यही बात तो मैं कह रही थी कि ये लास्ट मंथ में वो यही चाहते हैं कि ये दाग भी धो लें और साथ साथ बिल्कुल वो इस तरह से नीट एंड क्लीन हो जाए और आवाम को बताएं कि देखें जी पनामा लीक्स वालों का हमने कोई साथ नहीं दिया और हम तो अपनी अलग सियासत कर रहे हैं। और आजकल अगर देखा जाए तो सिंध की सियासत में बहुत ज्यादा पार्टी और सिंध के लिए जो डेवलपमेंट कर रही है वो बहुत ज्यादा जो है उन्होंने काम की वजह यही है कि ये वो दाग तो कहते हैं ना, दाग तो अच्छे होते हैं लेकिन ये वाला दाग अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। मुझे तो कहीं नहीं नजर आ रही जो सिचुएशन बनती चली जा रही है। देखिए ये तो हमें आना उनके वोटर्स पे छोड़ देना चाहिए कि हर पार्टी का अपना एक है वोट बैंक है, हो सकता है कि कम ज्यादा हो जाए, लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी की एक नजरिया है, पीपल्स पार्टी की एक हैसियत है, एक एंटिटी है, एक जमात है, बड़ी जमात है। हो सकता है कि वो जो पुराने जो मसाइल हुए हैं उसके साथ वो ओवरकम कर ले और जरदारी साहब की स्ट्रेटजी काम आ जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो अब आसिम साहब को भी का नाम हट गया है, ये सारी चीजें, ये इसका एक बदवाए भी दे रहे थे वो तो, और डॉक्टर आसिम तो चौधरी निसार को कह रहे थे कि जैसा मेरे साथ किया वैसे ही उनके साथ हो रहा है, पता है? तो वो बहुत ज्यादा जारहाना मूड में, और साथ साथ जो हमारे मंजूर वसान साहब भी, हमने उनसे गुड मॉर्निंग आज में बात की थी, और लतीफ खोसा साहब भी थे, तो ये लोग डॉक्टर आसिम हुसैन के वाले से कह रहे थे कि जब वो वापस आएंगे तो उनको कोई बहुत बड़ा ओहदा भी मिलने वाला है। जी हाँ, तो उनसे ये भी कहा था, हो सकता है कि सीएम का मिल जाए, मजाक में बिल्कुल के बारे में कहा जा रहा है। लेकिन ये सारी चीजें क्या है कि जरदारी साहब आप देखें, अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड पे देखें तो वो एकदम चले गए थे मुल्क से बाहर, एक उनकी जो एक स्पीच थी उसके बाद वापस आए, फिर ये शर्जील मेमन का केस देखें, डॉक्टर आसिम का केस देखें, उसका खातून जो $5 लाख वाली उनका केस देखें, तो ये सारे केसेस आप देखें तो जरदारी साहब इस वक्त तो उनको जिस तरह का कहते हैं ना कि एक हिडन या टेस्टेड जो NRO मिला हुआ है उनको, वो उसका उन्होंने उस पे काम कर रहे हैं, उस लाइन पर काम कर रहे हैं, या जरदारी साहब चाहते हैं किसी महाजराई में ना पड़े और नवाज शरीफ की जो डूबती कश्ती में सवार होकर वो खुद भी ना डूबे, तो ये उनकी स्ट्रेटजी है, वो बहुत एक मतलब कड़ा वक्त इस पे ऐसा है, नजर आ रहा है आपको कि जिस भंवर में नून लीग इस वक्त फंस चुकी है, फंसी हुई है, कोई निकलने का रास्ता नजर आ रहा है कि बस सब ये नैया डूबी जाएगी? मुल्क की तारीख NRO से भरी पड़ी है, अब कहा जाता है कि NRO नहीं हो रहे, NRO नहीं हो रहे, लेकिन ये हमने देखा है कि कभी भी अब जब इंतखाबात आते हैं, हो सकता है आज हम जो बातें कर रहे हैं इंतखाबात के बाद हम यही जरदारी और नवाज शरीफ की दोस्ती की बातें कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से
ये रिकॉर्ड पर रख लें, इंतखाबात के बाद आपको ये शॉर्ट गाम आएंगे, ये हो सकता है बहुत कुछ होता है। तो इस पे हमें ये नहीं करना चाहिए कि सारे दरवाजे बंद हो गए, सियासत में कभी भी दरवाजे बंद नहीं होते और ये होने भी नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया नफीस सईद साहब हमारे साथ है और हमारी आज की टॉप स्टोरीज थी, उस हवाले से हमने डिस्कशन उनसे जरूर की है और कोशिश की है कि जो जो आज मुल्क में चल रहा है और ओवरऑल जो हमारे पिछले दिनों और इवन वीकेंड्स पे भी यही सब कुछ चलने वाला है, जब तक ये धरने के मसाइल हल नहीं होते मेरा हाल कुछ नहीं होने वाला। चलिए जी, दुआ करेंगे कि इस मुबारक महीने में तमाम मसाइल हल हो जाए और जनाब आगे बढ़ते हैं और एक जबरदस्त शेर जो है वो मैं पढ़ने की पूरी कोशिश करूंगी कि इस शेर को अच्छे तरीके से मैं निभा दूं। ये शेर है लेकिन उससे पहले हम लोग अपने शो का इख्तिताम भी करेंगे और आपसे इजाजत भी चाहेंगे और के बाद आपको बताएंगे कि क्यों ये शेर पढ़ने जा रही है। तो जनाब हमें गुड मॉर्निंग आज से इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ स्टोरीज के साथ।